इस वीडियो में हम हाँ बात करने वाले हैं कि अगर आप पेटीएम पर अपने डेबिट कार्ड का एक्सचेंज मतलब कि यूपीआई चेंज करने के लिए या 6 डिजिट यूपीआई क्रिएट करने पर जाते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ आता है डेबिट कार्ड का डिटेल्स और लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आप लास्ट के 6 डिजिट डाल देते हैं, लेकिन वैलिडिटी एक्सपायरी डेट पर आपको जो है इनवैलिड एक्सपायरी डेट आती है, तो ये प्रॉब्लम क्या रहती है तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। देखिए जहाँ पर आप 00 देख रहे हैं ये होता है MM, यानी कि मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि ये 12 मंथ ही होते हैं। अब वैलिडिटी क्या होती है यहाँ पर, देखिए वैलिडिटी होती है लाइक यहाँ पर 2000, यहाँ पर लाइक मैं आपको बताता हूँ 2020 है, ठीक है, वो अभी वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, क्योंकि 2020 यहाँ से जा चुका है और 2021 भी जा चुका है, लेकिन 2022 है उसी की एक्सपायरी डेट हो सकती है, या 23 है, 24 है, जो यहाँ पर सन 2023 है उसके लास्ट 2 डिजिट जो रहते हैं 23, 24, 25 या 10, 11, 12, 13 जो जो भी हो वो यहाँ पर आपके डालने रहते हैं, तो तब ये जो है एक्सपायरी डेट आपको नहीं दिखाती और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये जो है आपको डेबिट कार्ड पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वो जब आप डालेंगे तब आपका प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और हर कार्ड पर ये अलग अलग होती है या थोड़ी सिमिलर भी होती है, बट यहाँ पर अलग अलग आपको डालनी होती है, तो तब आपका ये प्रोसेस होता है, वरना ये इनवैलिड एक्सपायरी डेट बताती है। इस पर ही नहीं, बहुत ज़्यादा जगहों पर ये दिखाती है, तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।